नमस्कार दोस्तों, मैं शंभु नाइमा आपका हमारे चैनल होटी मंत्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं विभिन्न पुरानी परीक्षाओं पर आधारित MCQs ऑन मैंगो फोर स्पेशली JRF हॉर्टिकल्चर बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम। जितने भी प्रीवियस ईयर में कुछ एग्ज़ाम हुई है उनमें मैंगो क्रॉप से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है बोटनिकल नेम ऑफ मैंगो। बोटनिकल नेम ऑफ मैंगो जो पूछा गया था MPPAT 2019 में, फर्स्ट ऑप्शन है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा आरेंटिफोलिया, केरिका केरेंडस या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है बोटनिकल नेम ऑफ मैंगो वो है मेंजीफेरा इंडिका, मतलब जो हमारा ए ऑप्शन है मेंजीफेरा इंडिका वो है आम का बोटनिकल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैंगो इज़ बिलोंग टू फैमिली, मैंगो इज़ बिलोंग टू फैमिली, मैंगो किस परिवार से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था JRF 2005, 2009 और MPPAT 2013 में। तो आम किस फैमिली से बिलोंग करता है, फर्स्ट ऑप्शन मिर्टेसी, बी एनारकार्डियसी, सी प्यूनिकेसी या डी कैमेलियसी। तो हमारा जो आम है वो एनारकार्डियसी परिवार से संबंधित है, मतलब जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो है एनारकार्डियसी, वो सही है, आम जो है एनारकार्डियसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैंगो बेसिक क्रोमोसोम नंबर एक्स इज इक्वल टू, जो आम का जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो कितना होता है। यह पूछा गया था RHEO 2013 में। ए ऑप्शन है 10, बी 20, सी 40 या डी नन ऑफ दिस। तो जो आम का जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है ए 10, जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो 10 होता है, और जो आम का जो क्रोमोसोम नंबर होता है जनरली 2n बराबर वाला होता है 40, जो 2n बराबर होता है वो होता है 40, और बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो एक्स बराबर होता है वो होता है 10। द नेशनल फ्रूट ऑफइंडिया, ये क्वेश्चन भी JRF 2007 और RHEO 2016 में पूछा गया थी, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ए ऑप्शन है बनाना, बी ग्वावा, सी पोमग्रेनेट या डी मैंगो। तो हमारा जो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया है वो है मैंगो, वो कौन सा है मैंगो, इसको बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो, मैंगो का फ्रूट टाइप कौन सा, ये पूछा गया था JRF 2005 में। ए ऑप्शन है ड्रूप, बी पॉम, सी बेरी या डी स्टोन। तो मैंगो का जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है स्टोन, क्योंकि इसमें जो गुठली पाई जाती है वो कठोर होती है इसलिए उसको स्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो सुटेबल फॉर किचन गार्डन, ऐसी कौन सी वेराइटी है जो किचन गार्डनिंग के लिए सुटेबल है। तो ये क्वेश्चन भी JRF 2006 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए दसहरी, बी लंगड़ा, सी आम्रपाली या डी नीलम। तो जो आंसर है वो है आम्रपाली, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त वेराइटी है इसलिए इसको किचन गार्डनिंग में आसानी से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ सीरियस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन मैंगो ऑर्चर्ड नियर ब्रुकलिन, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2007 में कि ऐसा कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ईंट के बस भट्टों के पास वाले आम के बगीचे में होता है। ए ऑप्शन है स्पॉन्जी टिश्यू, बी होता है मालफॉर्मेशन, सी ब्लैक टिप या डी फ्रूट ड्रॉप। तो जो ईंट के भट्टों के पास जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो होता है ब्लैक टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आता है फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन इन मैंगो टेक्स प्लेस इन, मैंगो में फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन कब होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था JRF 2007 में। इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर, बी दिसंबर से जनवरी, सी मई टू जून या डी जून जुलाई। तो फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन होता है जनरली अक्टूबर और नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है NAA इज अप्लाइड टू कंट्रोल मैंगो माल फॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था JRF 2007 में कि जो NAA है उसका स्प्रे कब किया जाता है मैंगो माल फॉर्मेशन के कंट्रोल के लिए, ए दिसंबर, बी अक्टूबर, सी जुलाई या डी जनवरी। तो आंसर है वो अक्टूबर है, मतलब जो फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन होता है अक्टूबर नवंबर उसी टाइम पे NAA का स्प्रे किया जाता है मैंगो मॉल फॉर्मेशन के कंट्रोल के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियर ग्राफ्टिंग इज कॉमर्शियली प्रैक्टिस्ड इन, विनियर ग्राफ्टिंग किस फसल में यूज़ की जाती है? ए मैंगो, बी ग्वावा, सी कैशू नट या डी बेर। तो मैंग इसका जो आंसर है वो है मैंगो। इसको कमर्शियली विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। ग्वामा में स्टूलिंग या एयर लेयरिंग, कैशू नट में इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, और बेर में टी बडिंग या रिंग बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप विटामिन ए कंटेंट इन हाइएस्ट, निम्न में से कौन सी क्रॉप है जिसमें विटामिन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है? ए बेल, बी स्ट्रॉबेरी, सी बनाना या डी मैंगो। तो जो आंसर है हमारा वो है मैंगो। मैंगो इन फसलों में से सबसे ज़्यादा विटामिन ए मैंगो में पाया जाता है। पोलिनेशन इन मैंगो फैसिलिटेड बाय, ये क्वेश्चन पूछा गया था JRF 2008 में कि आम में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? ए बम्बल बी, बी हनी बी, सी वाइट फ्लाई या डी हाउस फ्लाई। तो आम में जो पोलिनेशन होता है वो होता है जनरली हाउस फ्लाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साई सुगंधा मैंगो वेराइटी इज हाइब्रिड बिटवीन, जो साई सुगंधा वेराइटी है वो किन दो कल्टीवर का हाइब्रिड है? ये क्वेश्चन पूछा गया था JRF 2008 और 9 में। फर्स्ट है केसर इंटू तोतापरी, बी अल्फांजो इंटू नीलम, सी रुमाने इंटू मालगोवा या डी रत्ना इंटू मालगोवा। तो जो जो साई सुगंध है वो केसर इंटू तोतापरी का क्रॉस है। तो जो हमारा जो आंसर है वो है ए केसर इंटू तोतापरी। द स्पॉन्जी टिश्यू ससेप्टिबल कल्टीवर ऑफ मैंगो, मैंगो की ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पॉन्जी टिश्यू होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था FSO 2019 में। फर्स्ट ऑप्शन है दशहरी, बी लंगड़ा, सी अल्फांजो या डी तोतापरी। जो सबसे ज़्यादा स्पॉन्जी टिश्यू होता है वो होता है अल्फांजो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इज़ वेरी पॉपुलर अमोंग द मैंगो ग्रोवर, ऐसा कौन सा भारत का राज्य जिसमें आम उत्पादक किसानों के बीच में इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग काफ़ी यूज़ किया जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था JRF 2011, RHU 2013 और RHU 2016। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मैंगो में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाती है वो की जाती है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो अर्का अरुणा इज क्रॉस बिटवीन, जो अर्का अरुणा है वो किसका क्रॉस है? ए नीलम इंटू अल्फांजो, बी बैगन पल्ली इंटू अल्फांजो, अल्फांजो इंटू बैगन पल्ली या नन ऑफ दिस। तो जो अर्का अरुणा है वो बैंगन पल्ली इंटू अल्फांजो का क्रॉस है। अर्का अरुणा बैगन पल्ली इंटू अल्फांजो का क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मैंगो इज एम, जो आम का इन्फ्लोरेसेंस है वो किस प्रकार का होता है? ए रेसिम्स, बी पेनिकल, सी सोलेट्री या डी साइम्स। तो जो आम का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको पेनिकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्ना वेराइटी ऑफ मैंगो इज अ क्रॉस ऑफ, जो रत्ना वेराइटी है वो किसका क्रॉस है? ये क्वेश्चन पूछा गया था AFO 2018 में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आम के जो डिफरेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का डिटेल लिंक है, उसको भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आम्रपाली इंटू नीलम, बी आम्रपाली इंटू दशहरी, सी नीलम इंटू अल्फांजो या डी अल्फांजो इंटू नीलम। तो जो रत्ना क्रॉस है वो है नीलम इंटू अल्फांजो का क्रॉस, जो रत्ना है वो नीलम इंटू अल्फांजो का क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो इज कास्ट बाय, जो पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज है मैंगो की वो किसके द्वारा होती है? ए यूनिसेला स्पीसीज, बी ओडियम स्पीसीज, सी कोलेक्टोट्राइकम स्पीसीज या डी फाइटोप्थारा स्पीसीज। तो जो आम की जो पाउडरी मिल्ड्यू होती है वो होती है ओडियम स्पीसीज के कारण या ओडियम मेंजिफेरी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकरण इज पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी, तो चंद्रकरण किसकी पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी है? ए पपाया, बी ग्वावा, सी मैंगो या डी बनाना। तो जो पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी है चंद्रकरण वो मैंगो की है, पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी मैंगो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साल्ट रेसिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ मैंगो, इन निम्न में से कौन सा मैंगो का साल्ट रेसिस्टेंट रूट स्टॉक है? ये क्वेश्चन JRF 2013 और 20 में पूछा गया था। ए नेक्कारे, बी विलाई कोलंबन, सी कॉम्बोडियना या डी नन ऑफ दिस। तो जो
निक्कर है वो साल्ट रसिस्टेंट रूट स्टॉक है मैंगो का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।